जिगर में बताया है डॉक्टर ने कि वरम है और ब्लड की भी कमी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपने। तो चलें, अब मैं कीमा बना रही हूँ। मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और उसमें मैंने कीमा फ्रीज़र का था, टमाटर, लाल मिर्च और सारे मसाले जो होते हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं। आलू और मटर कीमा मैं पका रही हूँ, तो आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं, तो अब मटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, अब थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको। अब पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा भी ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमारा आलू मटर कीमा रेडी हो गया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये, और बहुत मज़े का बना था। और चलते हैं अब हम आगे अपने ब्लॉग की तरफ, दूसरे दिन का। एक दिन पहले मैंने ये बनाया था कीमा और ये दूसरे दिन का आगे हमारा ब्लॉग आएगा। चलें, आप लोग जल्दी से मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि मेरा कीमा कैसा बना है और कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। और शहरियार अपना टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश का है। इंग्लिश का है लेकिन उर्दू पढ़ रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। सही और शहरी बताइए जी मामा, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, नहीं मिटा रहे थे। अच्छा, आज तो सर्दी कम है वैसे, और 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। आज थोड़ी कम है, और शहरी के बाबा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। देखें, इनका एक्सरे करवाया है डॉक्टर ने और ये रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, कुछ ब्लड की और पता नहीं किस किस चीज़ की। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा, इनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है और बहुत बीमार रहते हैं। उस दिन जॉब का मैंने आप लोगों से कहा था तो 15 दिन ही बस जॉब पे गए हैं और 10 दिन फिर छुट्टी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी इस वजह से। और ये देखें, मैंने इतने सालों के बाद चूड़ियाँ पहनी हैं। आप कैसी लग रही हैं मेरी चूड़ियाँ? ओ, मेरा दिल ही नहीं चाहता चूड़ियाँ वगैरह पहनने का, हाथ इतना भारी भारी लगता है। बस आज अचानक से दिल करा, चूड़ियाँ डब्बे वगैरह रखे हुए थे तो मैंने कहा देखूँ पहन के थोड़ी देर के लिए। अभी से घबराहट होने लग गई। दोनों हाथों में पहन के बैठी हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ी सी देर की बात ही है, अब मैं उतार दूंगी फिर। मेरी सास कहती थी कि चूड़ियाँ पहननी चाहिए सुहागन को और पता नहीं क्या क्या, 1 मिनट के लिए भी ना खाली हाथ नहीं छोड़ने देती थी। लेकिन क्या करें, काम वाम करने में ना बहुत उलझन होती है, अजीब सी घबराहट होती है। तो बस अचानक से भी शौक चढ़ा थोड़ी देर का तो मैंने पहनी है। तो और शरी क्या हो रहा है? शहरी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, शहरी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा शरारतें करते जा रहे हैं। क्या करके आए वो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो किया है, बताओ। बाहर से वाला ही नहीं, आवाज़ तो आ रही है, आपने क्या किया है? देख क्या क्या जिगर में बताया है डॉक्टर ने कि वरम है
और ब्लड की भी कमी है और भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हैं, तो आप लोग दुआ करिएगा प्लीज़ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। ये मैंने शक्करकंदी रखी थी सेकने के लिए, तो देखते हैं कैसी हुई है। अब इसको हम चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं हम। ये देखें हो गई है, ये हमारी इस तरीके से बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल बाजार जैसी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जो